नमस्कार, मैं भारत उदय समाचार से आज आप लोगों के साथ हूं राहुल जगजीत। आज का रिपोर्ट, जो इससे पहले मैंने दरभंगा एयरपोर्ट का रिपोर्ट दिखाया था, आज उसका दूसरा भाग दिखा रहा हूं कि कितना जल्दी ये दरभंगा एयरपोर्ट का शुरुआत होगा या कितना टाइम लगने वाला है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या है अड़चनें आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। और आप देखते रहें भारत उदय समाचार, सभी लोगों को शेयर करें जिससे सभी लोगों के पास ये न्यूज़ पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ, अब मैं आ चुका हूँ दरभंगा एयरपोर्ट के दूसरे नंबर गेट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट बैंक का एटीएम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे देखिए, ये जो सामने आपको कैंटीन दिख रहा है, यहाँ पर कैंटीन का भी समय सीमा है। और ये सामने जो भी आप जंगल देख रहे हैं, सभी अभी सब सफाई साफ सफाई होगा तभी जाकर दरभंगा एयरपोर्ट फिर से खुल पाएगा सिविल के लिए। आप देख सकते हैं ये साइड जो है, दूसरे साइड आपको दिखा सकता हूँ, दूसरे भाग बहुत बड़ा एक दीवार बन रहा है, क्योंकि जब भी दरभंगा एयरपोर्ट शुरुआत हो जाएगा तो बहुत ही सेफ्टी रूल चलेगा, और सेफ्टी के हिसाब से चारों तरफ एक बहुत बड़ा बड़ा दीवार बनाया जाएगा। और सामने जो आप दीवार देख रहे हैं, ये छोटा हो चुका है, इसमें मिट्टी भर चुका है, और जो जंगल आप सामने दिख रहे हैं, सभी जंगल को अच्छे से साफ किया जाएगा, क्योंकि दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट पर। और सामने आप देख रहे होंगे जो रनवे दिख रहा है आपको, इसी रनवे जो यही मेन रनवे है, और इसी मेन रनवे के ऊपर से फ्लाइट उड़ेगी। आपको बताना चाहता हूं कि अभी अफवाहों का दौर चल रहा है, जो सब बाजार में, जो मार्केट में अभी बात चल रही है दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर कि अभी चालू हो जाएगा, 6 महीने के बाद चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट का जो अपडेट मुझे अभी जो मिला है, उन जो दरभंगा एयरपोर्ट के ऑफिसर के द्वारा, जो एयरफोर्स के स्टेशन के ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो मिला है, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, अभी दरभंगा एयरपोर्ट चालू नहीं होने वाला है जब तक यहाँ पर रास्ता नहीं बन जाएगा, सिविल का ऑफिस नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये सरकार, ये गवर्नमेंट का है। अभी ये एयरफोर्स है, स्टेशन है, यहाँ पर अच्छे से ऑफिस बनेगा, रास्ता बनेगा, सभी चारों तरफ रास्ता बनने वाला है, ऑफिस बनने वाला है, उसके बाद होगा। लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया है, 2018 बीत जाएगा, 2019 तक ये प्रक्रिया चलेगा, उसके बाद ही ये शुरुआत होगा। आपको बता दूं, इसी बीच रिपोर्टिंग के बीच ही मुझे दरभंगा एयरपोर्ट पर गाय, जो नील गाय है, नील गाय मुझे मिल गया। आपको मैं बता दूं, नील गाय आपको देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, और आप देखते रहें इस न्यूज को। यहाँ पर मिथिलांचल में जो कुछ संगठन है, उनके द्वारा भी मांग की जा रही है कि माँ जानकी एयरपोर्ट के नाम से दरभंगा एयरपोर्ट को रखा जाए, और इसकी शुरुआत माँ जानकी एयरपोर्ट के नाम से की जाए। यहाँ पर आपको बता दें, अभी तो सब लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं, आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ, ये दरभंगा एयरपोर्ट मई महीने में मुझे एयरपोर्ट का जो अपडेट मिला है, उसके अनुसार अभी बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी साफ सफाई का काम नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके अंदर जो है, दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर जो है, यहाँ पर काम तो चल रहा है, अब दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर काम चल रहा है, लेकिन अभी समय लगने वाला है। उसके अंदर अभी ना रास्ता बना है, ना ऑफिस का कुछ काम हुआ है, इसके लिए यहाँ पर समय लगने वाला है। जो सड़क आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर साफ सफाई किया गया है, बनाया गया है। और सामने आप देख सकते हैं, जो दरभंगा एयरपोर्ट का पहला नंबर गेट है, वो अच्छे से बना दिया गया है, साफ सफाई कर दिया गया है, उसके ऊपर लिख दिया गया है एयरफोर्स स्टेशन। और आपको बता दूं, अभी बदलने में इसका नाम टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट, जो भारत सरकार का है ये स्टेशन है, इसे चेंज करने में टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑफिस में मैंने जाकर इनसे पूछा है, अपडेट लिया है। ये आप देख सकते हैं, एक नंबर गेट के अंदर का ये सीन है, जहाँ पर कैंटीन है, उसके अंदर ये आप देख सकते हैं, जो जंगल है, बहुत अभी इसमें समय बचा हुआ है इसके आगे, इसमें कुछ करने के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई का भी काम नहीं हुआ है, और जब तक साफ़ सफाई का काम नहीं होगा, ये एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं होगा। अभी अगर कुछ भी अफवाह सुनते हैं, इसके पीछे गलत है, अभी ये स्टार्ट नहीं होने वाला है। आप दरभंगा एयरपोर्ट को शुरुआत होते होते 2019 लग जाएगा, ये समझ लीजिए। और मैं ऐसे ही आप लोगों के पास अपडेट लाता रहूँगा। भारत उदय समाचार से राहुल जगजीत, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।